नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद गैंगवार की आशंका, दिल्ली पुलिस के दो गैंगस्टर के गुर्गों पर बनी नजर। दोस्तों, आखिरकार क्या है इस पूरे मामले में, हम आपको एक एक चीज को बारीकी से बताने वाले हैं। और दोस्तों, अब गैंगस्टर का हाथ शामिल हो चुका है इसके अंदर। पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि कुछ गैंगस्टर हैं जो कि सुशील कुमार के पीछे अब हाथ धो के पड़े हुए। पहले वो ही सुशील कुमार के सहयोगी थे और उसी की टीमें सुशील कुमार के साथ इस कांड को अंजाम दे रही थी। पर दोस्तों, अब इसका उल्टा असर होने लग गया है, अब सुशील कुमार को खतरा बढ़ चुका है। दोस्तों, तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर आप जान लीजिएगा और हम भी आपको इस वीडियो के अंदर तमाम अपडेट दे देंगे। दोस्तों, और सुशील कुमार से संबंधित आगे की जानकारी चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को और भी प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जांच की, क्राइम में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आने के बाद भी यूं तो पुलिस पहले से ही सतर्क है, लेकिन अब खुफिया इकाइयों से गैंगवारों की आशंका होने के बाद, इनपुट मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। पुलिस की टीम गैंगस्टर काला जटड़ी और नीरज बेवाना के पूरे नेटवर्क के पीछे लगी हुई है ताकि उसकी गतिविधियों के बारे में पता लगा सके। इनके गुर्गों पर पन्नी नजर रखी जा रही है। उधर सुशील कुमार भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच में क्राइम में सुशील कुमार को कमांडो टीम की सुरक्षा के बीच ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। दरअसल जांच में खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ स्टेडियम में हुए वारदात के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई गाड़ियों में एक गाड़ी कुख्यात गैंगस्टर नीरज बमिया के दया हाथ के जाने वाले एक गुर्ग की है। वह जब सागर पर हमला किया गया था तो उसके साथी सोनू मेहाल नाम के उस एक साथी को भी पीटा गया था। सोनू मेहाल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत चार राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप काला उर्फ काला जटड़ी का रिश्तेदार है। पुलिस की माने तो सोनू पर भी कुछ मामले दर्ज है। ऐसे में दोनों गैंगस्टर संदीप काला उर्फ काला जटड़ी और नीरज बमिया के बीच गैंगवार छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। इसका खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया है। दोनों गैंगस्टर के करीबी गुर्गों की सुक्रिया होने की सूचना मिली ही रही है। खुफिया सूचना में ये भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में गैंगस्टर के गुर्गों पर पन्नी नजर रखने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में नीरज बामिया और काला जटड़ी का नाम सामने आने के बाद से ही पुलिस इन गुर्गों के गुणों पर नजर रखे हुए है। इसमें कुछ सक्रिय गुणों पर विशेष नजर थी, लेकिन वे अचानक भूमिगत हो गए। ऐसे में ये सदैव और घेरा गया है कि कहीं दोनों गैंगस्टर के गुर्ग अंडरग्राउंड होकर कहीं बड़ी साजिश तो ना रच रहे। बहरहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच में अलावा जिला पुलिस की टीम भी दोनों गैंगस्टर के नेटवर्क की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली NCR में नीरज बामिया को अपराध की दुनिया का खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। नीरज बामिया ने 16 साल से पहले जरायम की दुनिया कदम रखा था। इसके बाद उसके अपराध की ओर से साथ उसका खौफ बढ़कर चला गया। नीरज दिल्ली के बामिया गांव का रहने वाला है। वे अपने उपनाम की जगह अपने गांव का नाम बताता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले समेत अन्य राज्यों के दर्ज हैं। नीरज बामिया अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वह जेल से ही अपने गुटों के जरिए गैंग चलाता रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बामिया और दूसरे गैंगवर की लड़ाई खूनी खेल